जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का एक जानलेवा हमले के बाद इलाज के वक्त निधन हो गया। 67 साल के शिंजो आबे ने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। भारत के एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में शिंजो आबे ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ देश भर के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जापान से मदद दिलाई। वही मुश्किल के वक्त में जापान और भारत के बीच एक मजबूत दोस्ती की बुनियाद भी रखी। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम शिंजो आबे की मदद से ही शुरू हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को शिंजो आबे ने जापान सरकार की मदद से कई ऐतिहासिक तोहफे भी दिए। जिस रोज पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या हुई, उसके एक दिन पहले वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा समागम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये समागम जिस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसे भारत और जापान के सहयोग से मिलकर ही बनाया गया है। इस कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान रख दी गई थी। वही यात्रा जिसमें शिंजो आबे वाराणसी पहुंचे तो वाराणसी के रंग में ही रंग गए थे। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गंगा आरती में शामिल हुए जापानी पीएम ने हिंदुस्तान से अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया था। इस कन्वेंशन सेंटर में जापान का झंडा आज भी लहराते हुए बताता है कि शिंजो आबे की डाली दोस्ती की नींव कितनी गहरी थी। आबे के तोहफों की लिस्ट में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा देश को मिला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और शहरी विकास के कई प्रोजेक्ट भी शामिल थे। वाराणसी को बुलेट ट्रेन से जोड़ने और क्योटो मॉडल पर शहर को विकसित करने के लिए शिंजो आबे ने हिंदुस्तान की बहुत मदद की। शिंजो आबे का दुनिया से इस तरह जाना एक बड़े स्टेट्समैन का जाना है। वो शख्स जिसने वाराणसी को अपने होने से कई विरासतों का तोहफा दिया, पीएम मोदी उसे याद करके अपना दोस्त बता रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिंजो आबे के निधन से आम लोग दुखी हैं। आम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति की कामना की है, प्रार्थना की है कि शिंजो आबे भगवान शिव के उसी रूप में विलीन हो जाएं जिसकी आराधना के लिए वो काशी आए और जिससे जुड़कर उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव रखवाई। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।